الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقوسنا وقياسنا ومعيننا ومولانا وملجانا وملجانا ومأوانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے نہایت ہی قابل قدر محترم و مکرم بزرگ و نوجوان بھائیو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خطبہ مسنونہ کے بعد کل جو میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی تھی اسی آیہ مبارکہ کو آج کی گفتگو کے لیے بھی میں نے موضوع سخن بنایا ہے. آیا مبارکہ پر کچھ عرض کرنے سے پہلے آئیں ہم اور آپ نے اگر سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سرور دو عالم نور مجسم احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بآواز بلند ہدیۂ درود و سلام پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا من علينا ربنا إذ بعث محمدا أجله بأيده أجلنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العظيم وجوده والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سر محفل اتنا کرم میری سرکار ہو جائے سر محفل اتنا کرم میری سرکار ہو جائے آنکھیں منتظر رہے اور دیدار ہو جائے. بازار مصطفیٰ میں بک جاؤں غلام مصطفیٰ بن کر بازار مصطفیٰ میں بک جاؤں
गुलाम है मुस्तफा बनकर, मेरा भी सौदा सरे बाजार हो जाए। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए। नारायण तकबीर, अल्लाह अकबर, नारायण रिसालत, या रसूलल्लाह। सरकार की आमद, मरहबा। दिलदार की आमद, मरहबा। प्यारे की आमद, मरहबा। एक दिल हमारा क्या है, आजाब उसका कितना। एक दिल हमारा क्या है, आजाब उसका कितना। या रसूल अल्लाह, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। असरा में गुजरे जिस दम बेरे पे कुर्सियों के, असरा में गुजरे जिस दम बेरे पे कुर्सियों के, होने लगी सलामी परचम झुका दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, बहा दिए। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी नसर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी नसर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। जान दिल होश खिरत सब तमन्नाएं पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अकल अदा फरमाई, इल्म अदा फरमाया। इंसान अपने अकल और इल्म की रोशनी में तरह तरह की इजादात करता है। इल्म और अकल की रोशनी में ऐसे ऐसे काम सर अंजाम देता है, ऐसी ऐसी चीजें बनाता है जिसे देखकर अकल दंग रह जाती है। तो इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अकल और इल्म अता फरमाया, तो जाहिर है कि अगर कोई ये कहता है और ये समझता है कि इंसान अकल और इल्म वाला होकर भी किसी चीज का मालिक नहीं, किसी चीज का मुख्तार नहीं, तो वो कितनी बड़ी हमाकत है कि इल्म भी है, अकल भी है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुदरत भी अता फरमाई है। एक लिमिट है, एक हद है, लेकिन इंसान को कुदरत तो है। जब एक शैतान को ये कुदरत हासिल है कि इब्ने आदम, आदम का बेटा जब पैदा होता है तो वहां पर वो पहुंच जाए, और आदम का बेटा जो नौमौलूद है, जो अभी पैदा हुआ है, उसके पास पहुंचकर उसकी कोख में अपनी उंगलियां दबाए, बस इससे ज्यादा इसे कुदरत हासिल नहीं है। तो शैतान को, नाफरमान को, मर्दूद को, इबलीस को इतनी कुदरत अता फरमाई है। तो एक ईमान वाला हो, और ईमान वाला होने के साथ मुत्तकी और परहेजगार भी हो, और अगर वो अल्लाह का वली भी हो, फिर अगर वो गौस भी हो, फिर अगर वो कुतुब भी हो, फिर अगर वो सिद्दीक भी हो, शहीद भी हो, अगर वो अल्लाह का नबी भी हो, और वो नबी अगर खातमन
नबीन हो तो उनके पास जो इख्तियारात है अल्लाह ताला ने जो अदा फरमाए हैं उन इख्तियारात का कौन अंदाजा कर सकता है। वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उनके नाफिद हकूमत पे लागू हो सकता है। एक मिसाल में आपको देखा, कभी कभी मैं हैरान रह जाता हूं कि इंसान कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह और उसी नबी की शान को घटाने की कोशिश करे या इस फिराक में रहे कि कौन सी ऐसी हदीस मुझे मिल जाए, कौन सी ऐसी आयत मुझे मिल जाए, कौन सा ऐसा वाकया मुझे मिल जाए जिसमें रसूल की शान घटती हुई नजर आए। मिसाल देता हूं मैं, बात आपके जहन में आ जाएगी कि आपने या मैंने एक कुत्ते को पत्थर मारा। अब कुत्ते को पत्थर जब लगा तो वो कुत्ता किसको भौंकता है, पत्थर को भौंकता है या पत्थर मारने वाले को भौंकता है? काटने के लिए किसको दौड़ता है, पत्थर को दौड़ता है या मारने वाले को दौड़ता है? हालांकि वो जानवर है, वो पत्थर के पीछे क्यों नहीं भागता जो उसको लगा है, उसको क्यों नहीं काटता जो उसको लगा है, फेंकने वाले की तरफ क्यों भागता है, उसको क्यों काटने के लिए दौड़ता है, उसकी तरफ क्यों भागता है? इसलिए कि एक जानवर है, अकल से खाली है, जबान उसकी नहीं है, लेकिन वो भी ये समझता है कि पत्थर कुछ नहीं है, वो तो मजबूर था, उसको तो उठाया गया तो उठा, मारा गया तो लगा, मारने वाला तो असल ये है, उठाने वाला तो ये है। तो पत्थर कुत्ते को लगता है और भौंकता इंसान को है जो उसे मारता है। तो एक कुत्ता भी ये समझता है कि पत्थर मजबूर है, इंसान मजबूर नहीं है। तो एक इंसान जिसको अल्लाह ताला ने अकल सलीम भी अता फरमाई, फिर उस नबी का कलमा भी पढ़े और फिर तहजीर-उन-नास में ये भी लिखे कि जिसका नाम अहमद या मोहम्मद है वो किसी चीज का मालिक मुख्तार नहीं। तो आप उस उम्मती के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को कुदरत अता फरमाई है, मालिक बनाया है। कम से कम एक इंसान अपने घर का मालिक तो होता है, अपने घर का मालिक होता है, मुख्तार होता है, जब चाहे जितना चाहे वो खर्च करे। इससे बढ़कर अल्लाह ताला ने एक इंसान को इतना पावर भी दिया है कि वो शहर का मेयर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, डीएसपी बन जाए, तो उसको शहर का कंट्रोल है, तो उसके पास वो शहर का मालिक है, जो चाहे वो कर। किसी को अल्लाह ताला ने मुल्क का बना दिया, तो जब परवरदिगार आलम इंसानों में घर का, शहर का, मोहल्ले का, मुल्क का हाकिम बनाता है, मालिक को मुख्तार बनाता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको परवरदिगार आलम ने सैयदुल अंबिया बनाया हो, रहमतन लिल आलमीन कहकर जिसको पुकारा गया हो, या अय्युहर रसूल कहकर जिसको पुकारा गया हो, या अय्युहर नबी कहकर जिसको पुकारा गया हो, या अय्युहर मुद्दस्सिर, या अय्युहर मुजम्मिल कहकर जिसको कुरान में याद किया गया हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ने
मेरी आका कितने इख्तियार इख्तियार मुस्तफा को अगर हम देखें तो उठाओ किताब अलहम्द वलमुदा जिसमें इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमान अख्तियार मुस्तफा पर कुरान और हदीस की रोशनी में ये साबित किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार अता फरमाए और ऐसे इख्तियार जो किसी और को हासिल न थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि ए अली हालत जनाबत में मेरे और तुम्हारे अलावा किसी तीसरे को हमारी मस्जिदों में आने की इजाजत नहीं है, स्पेशल इजाजत अता फरमाई सैयदना अली को कि कोई और तीसरा नहीं आ सकता हमारी मस्जिदों में जिस पर गुस्ल फर्ज होता है। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु को ख्वाहिश हुई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल रहमान रेशम पहनो कि तुम्हारी ख्वाहिश दूर हो जाएगी। अरज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म मेरे लिए है या जिसको ख्वाहिश हो सबके लिए है? फरमाया मेरी उम्मत में सिर्फ अकेले लिए है। उम्मे मामद को छह महीने की बकरी कुर्बान करने की इजाजत थी। जब वो पहले कुर्बानी कर चुकी अब कुर्बानी के लिए कोई और जानवर न था, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैंने आपसे पहले कुर्बानी कर ली है, मेरे पास 6 महीने की बकरी का बच्चा है। फरमाया वही कर ले और अब तेरे बाद कयामत तक किसी के लिए जायज नहीं कि 6 महीने की बच्चे की कुर्बानी। हजरत सुराका बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के सोने के कंगन आपने जब सरकार की गिरफ्तारी के लिए हिजरत के वक्त गए थे तो फरमाया था कि सुराका तुम हमारी गिरफ्तारी के लिए आए हो, हम तो तुम्हारे हाथों में किसरा के कंगन देख रहे थे। और वो पेशी हुई सरकार के इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद फारूक आजम के दौरे खिलाफत में ईरान जब फतेह हुआ और ईरान के बादशाह के सोने के कंगन माल गनीमत में आए तो हजरत सुराका बिन मालिक को बुलाया गया, लकड़ी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आए और फारूक आजम ने फरमाया कि सुराका अपने हाथों को लंबाओ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें ये सोने के कंगन पहनाने का हुक्म फरमाया। एक सहाबी हैं हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार वाले गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं। अब माल सहाबा को तकसीम फरमाया जा रहा है, हजरत अबू जर गिफारी बाकी हैं, माल कुछ भी नहीं है सिर्फ सोने की एक अंगूठी है। सरकार उसको अपने हाथों में उलट पुलट फरमा रहे थे, मजमे की तरफ देखा और फिर फरमाया कि आओ और कहा कि अपने हाथ को लंबाओ और पहन लो वो जिसको अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें पहनाता है। अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें जो पहनाता है वो पहन लो। हालांकि सोना हराम है लेकिन उनके लिए हलाल, सुराका बिन मालिक के लिए हलाल था। तो इख्तियार मुस्तफा अल्लाह तबारक व ताला ने गोया फरमा दिया कि ए महबूब सूरज मेरा होगा, सूरज में रोशनी तुम्हारी होगी, चांद मेरा होगा, चांदनी तुम्हारी होगी, ए महबूब कलाम मेरा होगा, जबान तुम्हारी होगी, ए महबूब शरीयत मेरी होगी, अहकामात तुम्हारे होंगे, ए महबूब
खलकत मेरी होगी, उम्मत तुम्हारी होगी। हे महबूब, दामन तुम्हारा होगा, इनामात हमारे होंगे। मालिक कुल ने मालिक बनाया है उन्हें, दोनों जहान की नेमतें हैं उनके खाली हाथों में। बज़ाहिर तो हाथ खाली है, लेकिन दोनों जहान की नेमतें उन खाली हाथों में। तो अख्तियारों के मुस्तफा पर फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। अब मैं थोड़ी देर के लिए अपने मौजू की तरफ पलटता हूँ कि ऐलान नबूवत 40वें साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाए। सबसे पहले आया मुबारक इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक खलक अल-इंसान मिन अलक नाज़िल होती है। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सबसे पहले मुसल्ला सुनाया जाता है। सबसे पहले गारे हिरा में पेश आने वाली कैफियत को बयान किया जाता है। सबसे पहले गारे हिरा में जिब्राइल अमीन जो आए थे, जिब्राइल अमीन के आमद की खबर सबसे पहले हजरत खदीजा को सुनाई जाती है। और सैयदा खदीजा तो कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया जाता है कि खदीजा मुझे कंबल ओढ़ा दो। जब आपको इफाका हुआ, फरमाया कि खदीजा तुम अपने चचा वका में नौफल के पास जाओ और हकीकत को माजरा बयान करो। हजरत खदीजा तो कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने चचा वका में नौफल के पास जाती हैं। मक्का में चार ऐसी शख्सियत थी जो शिर्क से बेजार थी, भूतों के आगे वो झुकना नहीं चाहती। उन चार में एक सरे फहरिस्त वरका बिन नौफल। और दूसरे उबैदुल्लाह बिन हारिस। तो ये वरका बिन नौफल उनमें से थे जिन्होंने शिर्क से तौबा करके, क्योंकि उस वक्त इस्लाम अभी आया नहीं था, ऐलान नबूवत ना हुआ था, लिहाजा वो ईसाई हो चुके थे, वो ईसाई हो चुके थे। उनके पास गई और हजरत खदीजा तो कुबरा ने सारी हकीकत बयान फरमाई। फरमाया कि खदीजा घबराने वाली कोई बात नहीं, ये वही फरिश्ता है जो हजरत मूसा अलैहि सलाम पर आया करता है, ये वही फरिश्ता है जो हजरत ईसा के पास आया करता है। जाओ जाकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दो कि घबराने की जरूरत नहीं, उन्हें साबित कदम रहना होगा, सब्र से काम लेना होगा। कुछ दिनों के बाद वरका बिन नौफल खुद खाने काबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल गए और फरमाया कि वो कौन सी वही है जो तुम पर नाजिल हुई है, जरा मुझे सुनाओ। जब सरकार ने कहा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक सूरह अलक की आयत मुबारक जब सुनाई तो फरमाया कि मैं आपको इस बात से आगाह करता हूँ कि तुम्हारी कौम तुम्हें मक्का से निकलने पर मजबूर करेगी, तुम पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जाएंगे, तुम्हें सताया जाएगा, तरह तरह की अजियतें दी जाएगी, तुम्हें हिजरत करने पर मजबूर किया जाएगा। मैं तुम्हें सब्र की वसीयत करता हूँ, और अगर तुम्हारे ऐलान नबूवत के वक्त अगर मैं जिंदा रहा तो मैं जरूर तुम पर ईमान ले आऊंगा, न सिर्फ ईमान ले आऊंगा बल्कि तन मन धन से तुम्हारी मदद करूंगा। जब आप ऐलान नबूवत फरमाएंगे, जब आपको अल्लाह की तरफ से आम पैगाम करने का जब हुक्म दिया जाएगा। लेकिन वरका बिन नौफल को जिंदगी ने मोहलत न दी और उसी दौरान उसी वही नाजिल होने से पहले पहले वरका बिन नौफल इस दुनिया से चले गए। उसके बाद फिर या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फानजिर वरब्बका फकब्बिर, जिसका हमने कल बयान किया, वो आया मुबारक नाजिल। फिर कुछ दिनों तक, महीनों तक नहीं, कुछ दिनों तक, चार या पांच दिन तक वही का सिलसिला बंद रहा। तो एक मुशरिका औरत ने, एक रिवायत में है कि एक मुशरिका औरत ने कहा
और एक रिवायत में है कि मक्का के काफिरों में से अबू जहल ने ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके रब ने छोड़ दिया। सरकार दरअसल अलील हो गए थे, रात की नमाज भी सरकार अदा न फरमा सके। तीन या चार रातें इस कदर गुजर गई कि रात का कयाम न फरमा सके, तो ताना दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके रब ने छोड़ दिया है। अब आया ये मुबारक का 15 दिन के वक्ते में फिर नाजिल होती है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, फरमाया कि मुझे चाश्त के वक्त की कसम और रात की तारीकी की कसम जब वो फैले, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ए महबूब तुम्हारे रब ने तो तुम्हें छोड़ा है और न तो तुमसे नाराज हुआ। तुम्हारी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर, फतर था ए महबूब हम तुझे इतना देंगे कि तू राजी हो जाएगा। यतीम हमने तुम्हें यतीम पाया तो ये महबूब तुम्हारे कदम हमने जमा दिए। फआवा कहते हैं कदम जमाने को, जैसा कि कुरान की एक आयत है नवे पारे की, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों से कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वा'लमू अन्नल्लाहा यहुलु बैनल मर'इ व क़ल्बिही व अन्नहु इलैकुम शर्रुन وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سبحان اللہ، یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالی جنگ بدر کی بات یاد فرما رہا کہ तुम जानो कि तुम थोड़े थे, दुश्मन तुम्हारे सामने बहुत ज्यादा थे और दुश्मनों की तादाद को देखकर तुम्हारे दिल बैठ रहे थे। वल्फुरुहिदान तुम कलीलुम मुस्तदाफुना फिला, तुम थोड़े थे जमीन में, तुम कमजोर थे, सहाबा थोड़े थे जमीन में कमजोर थे, मुस्तदाफुना फिला तखाफुना अन यतखत्तफकुम अन्नास, तुम लोगों की तादाद को देखकर, उनके साजो सामान को देखकर तुम्हारे दिल बैठे जा रहे थे। फआवाकुम, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे कदमों को जमा दिया। वअय्यदकुम बिनसरिही, और अपनी तरफ से तुम्हारी मदद फरमाई। वरज़क़कुम मिन अत्तय्यिबात, और तुम्हें पाकीज़ा रिज़्क़ का अता फरमाया। सुभान अल्लाह। तो ये तीसरी वही है सूरह दुहा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। अब सबसे पहली उम्मत का इत्तेफाक है इस बात पर, अगरचे इमाम आज़म अबू हनीफा का ये कौल है कि ख़वातीन में हज़रत खदीजा, बच्चों में हज़रत अली, मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक और गुलामों में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ईमान ले आए, लेकिन तमाम उलमा मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन मौर्खीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि सबसे पहले आगों से इस्लाम में आने वाली खातून थी सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और उसका वाकया इब्न हिशाम ने यूं बयान किया, इब्न हिशाम के ये कदीम सीरत की किताबों में से, इब्न हिशाम का विसाल 213 हिजरी में हुआ, यानी मोर देन 1200 ईयर से पहले ये सीरत लिखी गई। तो ये अव्वलीन सीरत की किताबों में से, इब्न हिशाम ने यहां वाकया नकल किया कि सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अब जब जिब्राइल आपके पास आए तो आप मुझे इसकी खबर दे सकते हैं। फरमाया कि हाँ, मैं जिब्राइल के आने की खबर तुम्हें दे सकता हूँ। फरमाया या रसूल अल्लाह, जब जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए तो आप मुझे बताइएगा।
अब जब हजरत जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए तो सरकार ने फरमाया कि ए खदीजा ये जिब्राइल है। फरमाया कि या रसूल अल्लाह आप मेरी दाहिनी तरफ आ जाए। सरकार दाहिनी तरफ चले गए। फरमाया अब नजर आ रहे हैं? फरमाया हाँ नजर आ रहे हैं। फरमाया दाहिनी तरफ आ जाए। दाहिनी तरफ चले गए। कहा या रसूल अल्लाह अब आप नजर आपको नजर आ रहे हैं? फरमाया हाँ नजर आ रहे हैं। फरमाया या रसूल अल्लाह मेरे आप जानों पर तशरीफ रखे। सरकार जानों पर तशरीफ ले गए। अब नजर आ रहे हैं? फरमाया हाँ अब नजर आ रहे हैं। फिर इस जानों पर तशरीफ ले गए। फरमाया पूछा कि अब नजर आ रहे हैं? कहा हाँ अब भी नजर आ रहे हैं। फिर हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपना दुपट्टा उतारा, घर में से दुपट्टा उतारा और सरकार को ढांप दिया। फरमाया या रसूल अल्लाह क्या अब नजर आते हैं? कहा अब।